नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी फील्ड वर्कर के पदों के लिए। नई भर्ती अधिसूचना 2024 जारी कर दी गई है 510 पदों के लिए। संपूर्ण जानकारी पदों के बारे में इस वीडियो में हम उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो में दी गई जानकारी आपको आपके काम की लगे तो एक वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट वाला पेज हमने खोला हुआ है, ब्राउज़र और एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। JFWCE के लिए यहाँ लिंक आपको दिया गया है, PDF से रिलेटेड डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं, उसे डाउनलोड करके। यहाँ आप देख रहे हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी की गई विज्ञापन संख्या 23/2024 झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 JFWCE 2024 के लिए जो संबंधित विज्ञापन है हमने डाउनलोड किया हुआ है। आप देखेंगे परीक्षा शुल्क जो रखी गई है 100 रुपये है, जो कि अनरिजर्व्ड OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट को पेमेंट करनी है, जबकि परीक्षा शुल्क झारखंड के मूल निवासी SC ST के लिए 50 रुपये रखी गई है। दिव्यांगजनों के लिए परीक्षा शुल्क में पूरी तरह से छूट दी गई है। परीक्षा शुल्क केवल ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट करनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। साथ ही इन पदों के लिए महिला और पुरुष दोनों ही योग्य हैं, जो कि केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन आप कर सकते हैं। jssc.nic.in पर दिए गए लॉगिन वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करके। पदों की संख्या की डिटेल एक बार बताए देते हैं। क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा एवं शिक्षा परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत अनारक्षित के 230 पद हैं, जिनमें से 11 महिलाओं के हैं। अनुसूचित जनजाति के 133 पद हैं, जिनमें से 7 महिलाओं के हैं। SC के 44 हैं, जिनमें से 2 महिलाओं के हैं। अत्यंत पिछड़े वर्ग में 45 हैं, जिनमें से 2 महिलाओं के हैं, और पिछड़े वर्ग में 7 पद हैं। EWS में 51 पद हैं, जिनमें से 3 महिलाओं के पद हैं। तो यहाँ टोटल पदों की संख्या 510 है, जिनमें से 25 पद महिलाओं के लिए रिजर्व रखे गए हैं। तो दोस्तों स्वास्थ्य कार्यकर्ता के जो पद हैं ये समूह गए के अराजपत्रित पद हैं। इन्हें 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 में 18,000 से 56,900 के वेतनमान मैट्रिक्स में भरा जाएगा। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवेदक प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से आवेदक ने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। आयु की जो गणना है 1 अगस्त 2024 के आधार पर न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा की गणना की जाएगी। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, जबकि अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित EWS वर्ग के लिए 35 साल है। अत्यंत पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए 37 साल है। महिला अनारक्षित EWS पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 38 साल। SC ST के पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल तक की आयु सीमा रखी गई है। दिव्यांगजनों के लिए 10 साल तक की छूट दी जाएगी अधिकतम आयु सीमा में। तो दोस्तों JFWCE 2024 के लिए जो परीक्षा का प्रारूप रखा गया है वो कंप्यूटर आधारित या OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी, जिसका निर्णय JSSC के द्वारा किया जाएगा। यहाँ जो मुख्य परीक्षा होगी, परीक्षा का जो स्वरूप होगा, मुख्य परीक्षा ली जाएगी। इसमें सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, एक प्रश्न का 3 अंक यहाँ पर सही होने पर दिए जाएंगे और गलत होने पर 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगी। भाषा के विषयों को छोड़कर अन्य सभी जो प्रश्न हैं हिंदी और अंग्रेजी बायलिंगुअल टाइप में मिलेंगे। मुख्य परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक परीक्षा की अवधि जो होगी 3 घंटे की होगी और इसमें 3 प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे।
पहला जो प्रश्न पत्र होगा भाषा का होगा, 120 प्रश्न होंगे इसमें, 2 घंटा समय मिलेगा। हिंदी भाषा पर 80 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी भाषा ज्ञान पर 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 30% मार्क्स यहाँ पर सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को लाने जरूरी होंगे। प्रश्न पत्र 2 जो होगा इसमें क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा ज्ञान से संबंधित प्रश्न पत्र होगा। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, खुंडूब या उराव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा का विकल्प आवेदक को देना होगा। इस परीक्षा में 100 बहुकलित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी 30% न्यूनतम अंक लाने जरूरी होंगे। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का प्रश्न पत्र होगा। जो तीसरा प्रश्न पत्र होगा सामान्य ज्ञान के कुल 120 प्रश्न 2 घंटे की समय में पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन पर 40 प्रश्न होंगे। झारखंड से संबंधित ज्ञान पर 50 प्रश्न होंगे। सामान्य गणित पर 10 प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे कैंडिडेट जो 30% से कम अंक लाएंगे उनके प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, जांचा नहीं जाएगा। मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है प्रश्न पत्र 1, 2, 3 से संबंधित आप डिटेल में विज्ञापन में देख सकते हैं। यहाँ जो अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट्स हैं उन्हें 40% मार्क्स लाने होंगे प्रश्न पत्र 2 और 3 में। इसी तरह एससी एसटी को 32%, अत्यंत पिछड़े वर्ग को 34 और पिछड़े वर्ग को 36.5, आदिम जनजाति कैंडिडेट्स को 30% मार्क्स लाने होंगे प्रश्न पत्र 1 और 2 में। मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी प्रश्न पत्र 1 और 2 के प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। प्रश्न पत्र 1 जो होगा जो कि भाषा ज्ञान पर संबंधित होगा, हिंदी भाषा ज्ञान में अनुच्छेद हिंदी पर आधारित 20 प्रश्न होंगे। हिंदी व्याकरण पर आधारित 60 प्रश्न होंगे। अनसीन पैसेज, अपठित अनुच्छेद और हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। जबकि अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी अनुच्छेद, अनसीन पैसेज पर 20 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी व्याकरण पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा का जो सिलेबस है आपको यहाँ पर दिखाई देगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। कुरमाली भाषा पर रिलेटेड यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। सभी जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन पर आधारित सिलेबस आपको यहाँ पर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश का सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किए गए फील्ड वर्कर यानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पदों के लिए, आप भी अगर शैक्षिक क्वालिफिकेशन 10वीं पास हैं तो इन पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में सबमिट करा सकते हैं अंतिम तिथि से पहले पहले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, आपके काम की लगी, तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए और नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। दोस्तों चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।